दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दक्षिणी नगर निगम ने एक और कदम उठा लिया है। नगर निगम ने अपने बेड़े में 35 और नई ई कार्स को शामिल कर लिया है और इसके चलते दक्षिणी नगर निगम इलेक्ट्रिक यानी के ई कार्स का उपयोग करने वाला दिल्ली का पहला नगर निगम बन गया है। दक्षिणी नगर निगम का कहना है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए निगम ने ई कार्स का उपयोग करने का फैसला लिया था। इसके तहत पहले चरण में 32 कारों को निगम ने बेड़े में शामिल किया, जिसका परिणाम काफी सही आने के बाद उन्होंने 35 और ई कार्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। साथ ही बताया है कि कारें एक बार चार्ज होने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चल सकती हैं। इससे निगम का वाहनों पर होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा। साथ ही जानकारी ये भी दी गई है कि दिल्ली में निगम के अधिकारी अपने कार्यालय और मुख्यालय जाने के लिए रोजाना औसतन 80 से 90 किलोमीटर का सफर करते हैं। ऐसे में ये कारें उनके लिए काफी उपयोगी साबित होंगी। वहीं स्थायी समिति अध्यक्ष शिखा रॉय ने बताया कि पहले चरण में कई ई कार्स के चार्जिंग के लिए कुछ जगहों पर चार्जिंग प्वाइंट बनाए गए थे, लेकिन अब ई कार्स की संख्या बढ़ गई है, इसलिए इसके लिए विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग की व्यवस्था की जा रही है। दक्षिणी नगर निगम का ये कदम पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी अच्छा है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।